देश भर से फिलहाल साधु संतों का समर्थन जो है वो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिल रहा है और इसी को लेकर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। वो अपनी प्रक्रिया है, उनके गुरु सिद्ध थे, जो डंडी स्वामी थे उस स्थान पर बागेश्वर धाम में, वो सिद्ध महापुरुष थे, हनुमान जी की सिद्धि थी उनके पास। वो बालक उनका सेवा करता रहा, संत ने कुछ आशीर्वाद में दे दिया, तो वो किसी का कल्याण कर रहा है तो ये झाड़ फूक नहीं है। वो साथ में ये काम करते हुए भी सामाजिक कार्य कर रहा है। अब बताइए, 250-300 ईसाइयों को हिंदू में कन्वर्ट करना, मतलब ईसाई बन गए थे उनको हिंदू धर्म में पुनर्लाना, उसका बहुत अच्छा काम है। इसको जादूगरी नहीं, एक संत की दिए हुए प्रसाद की उदारता है। हम सनातन हिंदू विरोधी शक्तियों से इतना ही कहना चाहते हैं कि युद्ध तुमने छेड़ा है, अब समाप्त हम करेंगे, यह ध्यान रखना। ये आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर प्रहार नहीं है, भारत की सामाजिक, धार्मिक और जड़ों से जुड़ी हुई सनातन हिंदू संस्कृति की मान्यताओं पर प्रहार है। किसने कहा कि चमत्कार दिखा रहे हैं? क्योंकि भक्त उमड़ रहे हैं और सनातन धर्म का वैभव निखर रहा है, जो हमारे तंत्र, ज्योतिष, इन सारी विद्याओं के निष्णात गुरुओं का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले जिस तरीके से शास्त्री जी का अपमान किया जा रहा है, वो हिंदू हो ही नहीं सकते हैं। इसका जो विरोध कर रहा है उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और सनातन धर्म के जो भी लोग मानते हैं, हम लोग हनुमान जी की आरती कर रहे हैं, हर दुख का संकट से निवारण करने वाले यही बालाजी हैं, और इनका विरोध हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इनका जो विरोध किया है उसका सत्यानाश होगा, उसे कभी भी नरक में भी जगह नहीं मिलेगा।